हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एकदम सॉफ्ट और एकदम हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो एकदम हमारे मोटापा को भी कम करेगा, डायबिटीज़ को भी कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, सब कुछ को बैलेंस करने के लिए। ये है ज्वार का आटा। एक कटोरी मैं ली हूँ मेजरमेंट के लिए। आप किसी भी कटोरी से एक कटोरी आप एकदम अच्छे से ज्वार का आटा लें और उसी से आपको पानी कटोरी से डालना है। जितना आटा लेना है, एक कटोरी से दो चम्मच अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो दो चम्मच पानी ज़्यादा रखेंगे। बस इतना ही मैं बता रही हूँ कि दोनों इक्वल लेना है। कोई भी एक बर्तन या बाउल में आप उसको गैस पे पानी को सबसे पहले डालें। थोड़े से अगर मसाले आप खाना चाहते हैं तो हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ पे खड़ा जीरा डाली हूँ। खड़ा जीरा डालने से बहुत अच्छी टेस्ट आती है पराठे की। और स्वाद अनुसार उसमें नमक डाल दीजिए, नमक जितना आपको, हल्का हल्का नमक डालिए। और उसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे चटपटा बनाने के लिए चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। फिर यहाँ पे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये सब मैं डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो ये सब आप स्किप कर सकते हैं। घी डालें और घी डालकर उसको पानी को अच्छे से उबलने दें। पानी जब अच्छे से उबले तो गैस को एकदम बंद कर दें, क्योंकि पानी अच्छे से एकदम गर्म हो जाए और उबलने लगे। हल्का हल्का जब देखिए उबलने लगा है, मैं गैस को एकदम बंद कर दी हूँ। धीरे धीरे ज्वार का आटा उसमें डालें और आप एक चम्मच से मिक्स करना शुरू कर दें। गैस एकदम बंद हो गया है, नीचे उतार लें आप और उसके बाद उसको मिक्स करें अच्छे से। जब मिक्स आप करने लगेंगे, धीरे धीरे वो पानी में ड्राई लग रहा है मगर ड्राई नहीं रहेगा, उतना पानी में ये सफिशिएंट एकदम अच्छे से बन जाता है। थोड़ा सा कटा हुआ इसमें धनिया का पत्ता मैं डाल रही हूँ। अगर आप रोटी बनाना चाहते हैं तो ये सब बिल्कुल ना डालें, बस घी या तेल डालकर आटा को डाल दें और एकदम प्लेन आप डो बनाएं। ये पराठा चटपटा सा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे मैं देखिए मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दी हूँ ढक के, क्योंकि काफ़ी गर्म है तो अभी हम छू नहीं सकते हैं। 10 मिनट इसको रेस्ट पर छोड़िए। 10 मिनट के बाद अब इसे थोड़ा सा चलाएँ आप। अब हालाँकि अभी भी ये गर्म है मगर उतना गर्म नहीं है, जितना आप हाथ से सहन कर सकते हैं उसी तरह का एकदम हल्का हल्का गरम है। अब मैं एक प्लेट में इसको निकालूंगी और इसको अच्छे से मसल लेंगे। आप चाहें तो उसी बर्तन में मसल सकते हैं मगर मैं प्लेट में निकाली हूँ, ताकि गर्मी का टाइम है और अच्छे से ये ठंडा हो जाता है तभी मतलब कि अच्छे से हाथ जले ना, इसका ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे देखिए मैं यहाँ पे मल रही हूँ और ज़्यादा ये देखिए डो बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। इसी तरह का डो आपको बनाना है। पानी का मेजरमेंट एकदम सही रखेंगे, ऐसा ही डो बनेगा। और यहाँ देखिए डो बनकर तैयार हो गया है। ये गर्म पानी में आधा तो एकदम ऐसे ही पक जाता है। अब क्या करना है, उसी बर्तन में मैं ढक के आटा को रखी हूँ। बहुत ज़्यादा हवा से और ठंडा होने से ये एकदम ड्राई हो जाता है, तो इसको ढक कर ही रखें। और यहाँ पर एक छोटा सा लोई ले लें, उसको पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाकर सूखा आटा डालते हुए धीरे धीरे आपको बेलना है, ताकि दोनों तरफ से ये क्रैक ना हो। और हाथ से आप एकदम अच्छे से घुमाते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं धीरे धीरे बेलना शुरू करी हूँ। और ये पराठे आप बनाकर रख सकते हैं पूरे दिन भर, एकदम ये सॉफ्ट पराठे रहते हैं। गेहूं के कंपेयर में ये पराठे एकदम बहुत ही लचीले सॉफ्ट एकदम बनेंगे। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, रोटी भी इसका सॉफ्ट बनता है एकदम। अगर आप रोटी खाना चाहें तो रोटी भी बना सकते हैं, मगर आज मैं ये पराठे बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि आप छोटे बच्चे को भी टिफ़िन में दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है। और गर्मी में ज्वार जो है ना, हमारे शरीर को ठंडा देता है, इसीलिए ज्वार ही खाना चाहिए। बाजरा रागी गर्म करता है तो वो ठंड में खाना चाहिए, गर्मी में ज्वार ही खाएं। किसी भी टाइम में, सुबह में अगर आपको नाश्ता में बनाना है, नाश्ता में बनाएं, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, किसी भी टाइम में आप इसे खा सकते हैं। दोनों तरफ उलट पलट के आप इसको सेकें, घी या तेल जो आपको पसंद है इसमें लगाएं और दोनों तरफ से करारे पराठा आप बनाकर इसको रेडी कर लें। और ये पराठा एकदम बहुत ही टेस्टी लगता है। ये सारे मसाले मैं डाल दी थी, ये धनिया के पत्ती, मतलब कि 2 की जगह पे आप 3 खाएंगे, इतनी टेस्टी पराठा बनती है। बनाना बहुत ही आसान है। जब फाइबर से भरा हुआ हमें मिल रहा है तो फिर गेहूं के तरफ क्यों जाना है। अपने शरीर को ऐसा चीज़ देना है जो हेल्दी हो और हमारे वेट भी ना बढ़े। तो इस ज्वार के पराठे को बनाएं
और छोटे बच्चे को भी आप खिलाना शुरू करें, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट बनता है कि आप कोई भी बिना दांत का भी आदमी जो होगा ना वो भी खा सकता है। तो इस तरह से देखिए एक एक पराठे मैं बनाना शुरू करी हूँ, और इसी तरह से सारे पराठे आपको जितनी ज़रूरत है बनाकर रख लें। मगर एक चीज़ है कि आटा आप फ्रीज में नहीं रख सकते हैं, अब जब जितना आटा आप बना रहे हैं उसको पराठा आप बनाकर सेक के रख लें। दूसरे दिन आप माइक्रो में गरम करके इसको नाश्ता भी कर सकते हैं अगर बच जाता है एक दो तो। और उसके बाद ये देखिए सारे मैं पराठे इसी तरह से सेक लूँगी। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। कहीं भी जाना है आप इसे बनाकर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है और टेस्टी तो होता ही है। थोड़े से मसाले मैं डाल दी थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था, धनिया की पत्ती की खुशबू आ रही थी, और ये पराठे सारे बनकर देखिए ऐसे रेडी हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पराठे देखिए कितने एकदम साग जो होता है ना बनाने के बाद उस तरह से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। और आप ये छोटे बच्चे जिनको दांत नहीं ना उसे भी आप दही के साथ खिला सकते हैं, इतनी टेस्टी है। आज का हमारा ये डिनर था कद्दू के प्लेन सब्जी, लौकी भी जिसको बोलते हैं, और ये आलू फ्राई मैं की हूँ, और चने की घुगनी के साथ ये पराठे गरम गरम बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो मैं सोची कि आप लोग को भी शेयर करूं। मैं तो अक्सर यही सब खाती हूं, तो मैं सोची कि आप लोग को भी शेयर करूं। आप लोग भी गेहूं के जगह पर ज्वार खाएं और अपने आप को हेल्दी रखें। किसी को डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी भी प्रॉब्लम है, आप इसे खाएं। और अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।